ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे ESDM 211 का जो टॉपिक शुरू किया था हमने इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, उसी में हम नेक्स्ट करेंगे स्टडी ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो क्या होता है या उसमें पाए जाने वाले जो फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार एक दूसरे से इंटर रिलेशंस में रहते हैं। तो जब हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पॉन्ड इकोसिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं कि हम एक तालाब को सपोज करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि एक जैसे हमारा तालाब है ना, छोटा सा जहाँ पे पानी रुका हुआ है, या उसमें अब क्या क्या जो है एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं एक इकोसिस्टम। तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से जो इकोसिस्टम में पॉन्ड इकोसिस्टम में पाए जाने वाले घटक या कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें अभी हम पॉन्ड की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं या पॉन्ड के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे पास एक पॉन्ड में क्या होता है कि ये रुका हुआ पानी है ना, इस प्रकार से एक हमारे पास हम पॉन्ड की असम्पशन करते हैं, पॉन्ड के बारे में सोचते हैं। तो इस पॉन्ड के अंदर क्या क्या होगा कि इसमें जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उसके ऊपर जल के ऊपर तैरने वाले जो प्लांट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, और जो फाइटोर जू प्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। और फिर उसमें ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो आसपास की बिल्कुल किनारे के ऊपर मिट्टी में दबे हुए भी पाए जाते हैं, जिसकी रूट्स मिट्टी में होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गहराई में भी पूरे पूरे सबमर्ज्ड प्लांट्स पाए जाते हैं, जल के अंदर ही पाए जाते हैं, और एनिमल्स भी पाए जाते हैं जैसे फिशेज भी पाई जाती हैं, और तालाब के जो उसका तल है या जो उसकी तली होती है उसमें भी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। हमने कल इकोसिस्टम के बारे में स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, उत्पादक या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में हमने क्या रखा था, हमने प्रोड्यूसर की कैटेगरी में प्लांट्स को रखा गया था कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपनी एनर्जी या अपना जो फूड है वो बनाते हैं। तो इस प्रकार जब हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन से हैं, प्लांट्स जो वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, उसमें किस तरह के प्लांट्स होते हैं। एक तो वो प्लांट्स होते हैं जो पूरे के पूरे पानी के अंदर डूबे हुए पाए जाते हैं ना, जल के अंदर रहते हैं, जो जैसे सबमर्ज प्लांट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, जैसे हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, यूट्रिगुलेरिया। और सेकेंड कौन से होते हैं प्रोड्यूसर, जो जल में ऊपर तैरने वाले प्लांट्स होते हैं। और उसके अलावा जल में तैरने वाले प्लांट्स के अलावा कौन से होते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कौन से, जो जल में तैरने वाले माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी पाए जाते हैं, डायटम्स होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर या उत्पादक पाए कहा जाता है। सेकेंड इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट था वो था हमारे पास उपभोक्ता या कंज्यूमर। कल भी हमने पहले की वीडियो में स्टडी किया था इकोसिस्टम, तो उसमें हमने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स और टॉप कंज्यूमर्स और या उसके बाद डीकम्पोजर की बात की थी। तो अभी हम देखते हैं जी पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, इस प्रकार अगर हम एक पॉन्ड को अपने सोचते हैं तो इस पॉन्ड में क्या होता है कि इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन है ना,
जो इसके पानी के ऊपर तैरने वाले या इस पैंदे में पाए जाने वाले प्लांट्स या इसके अंदर किसी प्रकार की फिशेस पाई जाती हैं ना, ये सारे क्या है, इस इको प्लांट्स इकोसिस्टम के एक घटक होते हैं। तो ये जो पूरा प्लांट्स इकोसिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं वो कौन से होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं या जो जू प्लैंकटन होते हैं, जो क्या करते हैं, या जो मोलस्का या इंसेक्ट्स की लार्विज पाए जाते हैं, जैसे टेडपोल लार्वा होता है, फोका, या स्मॉल फिशेज जो कि फाइटोप्लैंकटन प्लैंकटोन्स को खाते हैं या उनको अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सेकेंड, जब बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को यूज करते हैं। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर को यूज करते हैं और सेकेंडरी जो प्राइमरी को यूज करते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं या फिशेज हैं या स्नेक्स, क्रैब्स या फिर इंसेक्ट्स। और जब हम टर्शरी की बात करते हैं, तृतीय उपभोक्ता की बात करते हैं, तो तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो सेकेंडरी को यूज करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को यूज करते हैं, जैसे बिग फिशेज है, या है ना, बिग फिशेज क्या करेंगे, छोटे खाएंगे, या फिर हेरोन है या डक है या गली, इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो क्या है, टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और फिर लास्ट जो इसमें इकोसिस्टम का जो फैक्टर होगा, बायोटिक फैक्टर, दैट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया या कवक होते हैं, जो बचे या सड़े गले पदार्थों को या डेड मैटर, जो डेड एनिमल्स है उनको डीकम्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट इकोसिस्टम में, पॉन्ड इकोसिस्टम में देखते हैं कि इसके जो एबायोटिक फैक्टर है वो क्या क्या होते हैं, या किस प्रकार से एबायोटिक फैक्टर को पॉन्ड इकोसिस्टम से रिलेट किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास क्या था, एक तो गैसेस की बात की थी हमने, तो गैसेस में क्या है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, जल में पाए जाते हैं, घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। और फिर जिंक, मैग्नीशियम, एम्बेनोमल, ह्यूमिकम्बल भी इस जो वाटर है उसमें पाया जाता है। तो ये जो बायोटिक फैक्टर है, ये क्या है, एक पूरे पॉन्ड इकोसिस्टम के इकोसिस्टम में इफेक्ट डालते हैं। जैसे एनर्जी फ्लो है, या जो ऑक्सीजन, या जो गैसियस जो साइकिल्स होती हैं, वो इस वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज इस इकोसिस्टम में होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की, इको सिस्टम में कौन कौन से ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें हमारे पास तीन होते हैं। एक तो है पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल, फिर फूड चेन या खाद्य श्रृंखला, और थर्ड वन इज खाद्य जाल या फूड वेब। ट्रॉफिक लेवल की अगर बात करते हैं, तो हमने कल देखा था कि जो इकोसिस्टम था, तो इकोसिस्टम में क्या, मैंने आपको कल भी बताया था ना पिछले वीडियो में, कि जो एक चेन बनती है, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, और फिर डिकम्पोजर्स। तो वो क्या एक चेन बनती है, जैसे फूड चेन कहते हैं, और उसका हर जो लेवल है, जैसे प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, तो ये इन सबको क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर कहा जाता है। तो ये जो पोषक स्तर है, डायग्राम में आप आराम से देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये प्रोड्यूसर बताया गया है। प्रोड्यूसर से हमारे पास दो बताए गए, देखिए, एक तो ये पहले हमने कहा था कि जो शाकाहारी होता है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को फिर आगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने खाया, वो मांसाहारी है। तो इस प्रकार इसको ह्यूमन बीइंग्स भी इसको खाता है। तो इस प्रकार इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो एक सिस्टम बताया गया है, इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल, ये प्राइमरी हो गया हमारा, जो फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो प्रोड्यूसर हो जाएगा, फिर हमारे पास सेकेंडरी जो होगा ना, सेकेंड जो होगा द्वितीय पोषण स्तर हो जाएगा, फिर टर्शरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी ये इकोसिस्टम में अलग अलग स्तर होते हैं, वो सभी अलग अलग ट्रॉफिक लेवल कहे जाते हैं। तो इस प्रकार ये एक डायग्राम में आप देखें कि किस प्रकार से
इन सबको कोरिलेट करके बताया हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर है, किससे डायरेक्टली वो कनेक्टेड है, सनलाइट से। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस द्वारा ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इन जो प्रोड्यूसर है उन पर कौन कौन डिपेंडेड है, एक तो शाकाहारी, सेकंड हमारे पास ये जो परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, थर्ड अपमार्जक, फोर्थ मृतोपजीवी। तो ये जो सभी हैं किस पर डिपेंडेंट हैं, ये सभी ग्रीन प्लांट्स पर या प्रोड्यूसर जिसको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इस शाकाहारी पे कौन डिपेंडेंट है, ये मांसाहारी, और ये मांसाहारी किस किस को खा सकता है, इन परजीवी को भी खा सकता है, फर्स्ट परजीवी को खा सकता है, और ये सेकंड इसको जो है ये अपमार्जक, और थर्ड ये मृतोपजीवी। तो इस प्रकार ये जो मांसाहारी है ये सबको खा सकता है। तो इस प्रकार ये जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ये आपस में ये इंटर रिलेशनशिप को शो करता है, एक इकोसिस्टम में सभी जो फैक्टर्स हैं, सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप में रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो फूड वेब है वो सॉरी फूड चेन है वो क्या होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको जब इकोसिस्टम करवाया था उसमें क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास पहले क्या ग्रीन प्लांट या घास की बात करते हैं, उसको किसने खाया, ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को किसने खाया, किसी बर्ड ने, और बर्ड को किसने खाया, ओक ने। इस प्रकार एक ये चेन बन गई है, सीधी आप देख रहे हो ना, एक चेन के रूप में ये आगे 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 की फॉर्म हो रहा है। तो ये जो क्या कहलाती है, फूड चेन। जैसे पहले प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को फिर आगे टॉप कंज्यूमर्स या टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो इसे क्या कहा जाता है, फूड चेन। और इसी प्रकार ये देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट्स, प्लांट्स को किसने खाया, माउस ने, माउस को किसने खाया, स्नेक ने, स्नेक को किसने खाया, हॉक ने। तो इस प्रकार कोई भी इस प्रकार की चेन बन सकती है। एल्गी प्लांट्स को इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट्स को छोटे फिशेस ने खाया, छोटे फिशेस को बिग फिशेस ने खाया, और फिर बिग फिश को किसने खाया, ह्यूमन बींग्स ने। तो इस प्रकार जो एक कंज्यूमर को दूसरा कंज्यूमर यूज करता है तो ये सारी क्या हो जाती हैं, फूड चेन्स बनती हैं। अब कितने टाइप की फूड चेन्स होते हैं हम देखते हैं कि एक तो होते हैं हमारे पास प्रीडेटर और ग्रेजिंग फूड चेन, सेकेंड है हमारे पास पैरासिटिक, और थर्ड हमारे पास है सेप्रोफाइटिक या डेट्राइटस फूड चेन। अब फर्स्ट जो चेन है प्रीडेटर या ग्रेजिंग, वो क्या होती है, जो पॉन्ड इकोसिस्टम में पाई जाती है, जिसमें क्या होता है ग्रीन जो प्लांट्स है वहाँ से शुरू होती है और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हुए बड़े जंतुओं तक जाती है। कैसे, पहले हमारे पास ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया, एनर्जी प्रोडक्शन का काम किया, प्रोड्यूसर कहलाए, प्रोड्यूसर को किसने, ये जो प्लांट्स हैं इसको किसने खाया, जू प्लैंकटन को, जू किसने खाया, जू प्लैंकटन ने, जू प्लैंकटन को किसने खाया, स्मॉल फिशेज ने, और स्मॉल फिशेज को किसने खाया, बिग फिशेज ने, या जो उसमें बिग एनिमल्स हैं। तो इस प्रकार की जो बनती है ग्रेजिंग या प्रेडेटर फूड चेन कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है पैरासिटिक फूड चेन, इसमें क्या होता है, जो बड़े जंतु से छोटे जंतुओं की जाती है। कैसे जाती है कि जो परजीवी होते हैं वो अपने भोजन के लिए एक होस्ट पर डिपेंडेंट होता है, और जो परपोषी होता है वो, और छोटे आकार वाले पैरासाइट होते हैं। एक जो परपोषी है उसके ऊपर कितने सारे पैरासाइट्स आ सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, उल्टा चलता है। तो परजीवी क्या होता है, अपने भोजन के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट, तो होस्ट एक होता है और परजीवी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेप्रोफाइटिक और डेट्राइसर, डेट्राइटस। इसमें क्या होता है, इसमें जो फूड चेन है वो जो डेड एनिमल्स है, डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ओर चलती है। तो इसमें जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो एनर्जी पाई जाती है वो किस में ट्रांसफर होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, और ये जो फूड चेन है डिकम्पोजर्स इस फूड चेन में इन्वॉल्व होते हैं।
जो डीकम्पोजर्स हैं या अपघटक हैं वो इस फूड चेन के में इन्वॉल्व होते हैं या इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल या फूड वेब क्या होती है? फूड चेन तो बहुत क्लियर कट है कि आपकी एक प्राइमरी प्रोड्यूसर को, सेकेंडरी प्रोड्यूसर को, थर्ड टर्शरी प्रोड्यूसर को, सॉरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर को, टर्शरी या टॉप कंज्यूमर्स ने यूज़ किया। जब हम फूड वेब की बात करते हैं तो फूड वेब में क्या होता है, जो एक जाल के रूप में बनता है। जैसे ये हमारे पास प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को किसने यूज़ किया? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, राइट। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर्स को कोई और भी यूज़ कर सकता है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट इस चेन में जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ रहा है वो यूज़ करेगा, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और एक यहाँ पे हमारे पास कोई और भी कंज्यूमर्स है जो इसको यूज़ कर रहा है। तो ये जो चेन है इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता है, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है। लाइक हमारे पास यहाँ है प्लांट्स, प्रोड्यूसर प्लांट्स को कौन खा सकता है? गॉड शीप भी खा सकती हैं, और प्लांट्स को छोटे छोटे इंसेक्ट्स या और भी कोई एनिमल्स खा सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक ही प्रोड्यूसर या कंज्यूमर्स को दूसरे दो कंज्यूमर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो बनने वाला एक फूड चेन के बजाय ये एक उलझे हुए जाल में दिखाई देते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, तो इसे फूड वेब कहा जाता है।